पोटेंशियल मैनेजेबल एज है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, जैसे मैंने अभी पहले बोला था गर्ल्स के लिए कम है बॉयज के लिए ज्यादा है, इसका भी क्यों वो है, बिकॉज पावर इम्बैलेंस हो रहा है, समझने की कोशिश करिए लड़को, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम दिस पैट्रियार्कल फिलोसोफर्स और ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स और you know the status quo philosopher, they wanted the age of boy to be more than the girls, kyunki unka bola ye chahta tha ki ladkiyan jaldi mature hoti hai aur ladke late mature hote hain, to isiliye difference hona chahiye aur fir ladkon ka age zyada hoga to he can control ladkiyan, because you know this doctrine of coverture and kafi sare judgment mein use bhi kiya hai isko, doctrine of coverture ko, like in Joseph Schein doctrine of coverture bolta hai ki एक अ वुमन इज अ चैटल और अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड वंस शी गेट्स मैरिड टू दैट पर्टिकुलर मैन. अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, एक लड़की एक लड़के से शादी करती है, तो वो उस लड़के की प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी इन द सेंस रियल टर्म प्रॉपर्टी हो जाती है, तो सारे राइट्स उसके ऊपर हस्बैंड को रहेंगे एज अ प्रॉपर्टी, मतलब वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है. अ वुमन डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस व्हेन शी गेट्स मैरिड टू अ मैन, ठीक है, तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉवर्शन. तो वो क्यों था पहले, बिकॉज एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए, जब वो लड़की डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जाती थी, एंड ऑल्सो और एक उन्होंने बोला था कि बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वुमेन हैव डिफरेंट रेट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन, जो मैंने अभी बोला था कि लड़के जल्दी मैच होती है लड़के बाद में होते हैं. अभी कैसे ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन हो रहा है ना, लड़कियों और लड़कों का जिनेज अलग रख रहे हो, डिफरेंशियल लिमिट आपने सेट कर दी है, लड़की का इतना कम होना चाहिए लड़कों का ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट इज क्रिएटिंग इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन, राइट, एग्जैक्टली. सो यंगर एज प्रोफाइल फॉर वुमेन शोज पोअर पावर इम्बैलेंस इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला गया था कि कैसे वो पावर इम्बैलेंस करता है एंड कैसे वो एक लड़की को यू नो ही ट्रीट्स हर एज अ चैटल और he will have more rights over her being a property of you know that particular man. तो अभी ये violation of article 21 कैसे है, अभी हमको ये दो important judgments of Joseph Schein and Nelson, Joseph Schein already lex templum में cover किया है, तो Joseph Schein में क्या बोला गया था कि a law that treats women differently based on gender stereotype is an affront to women's dignity, right? मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप के अगर आप जो भी लॉ बनाते हो एक वुमन की डिग्निटी को वायलेट करता है. वुमन डिग्निटी मतलब आर्टिकल 21 है कि नहीं, जोसेफ शाइन ने वही बोला गया था ना जब उन्होंने 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट दोस केस दैट केस. सो इन नालसा नाल फाउंडेशन वाला केस तो जो था ओके उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड विद द अजम्पशन दैट ह्यूमंस हैव इक्वल वैल्यू एंड शुड देयरफॉर बी ट्रीटेड एज इक्वल एज वेल एज बाय इक्वल लॉस, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यू नो ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड देयरफॉर दे शुड बी सबके सब इक्वल है, इसलिए उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनके लिए इक्वल लॉज होना चाहिए. नाउ वी एट लेक्स टेम्पलम थिंक्स इफ वी आर बीइंग आस्क्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट की व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ डू यू पैराफ्रेज ऑल योर लीगल इश्यूज आर एट हैंड, अगर वो मुझे बोलते हैं कि आप मुझे बस एक सिंगल लाइन में बोलो कि आप करना क्या चाहते हो, तो मी और लेक्स टेम्पलम को अगर ये पूछा जाएगा तो वी विल से वे फॉरवर्ड इज डीकोलोनिएटिंग द लॉ ऑन एज ऑफ मैरिज, मतलब जो भी लॉज है एज ऑफ मैरिज के ऊपर उसको डीकोलोनाइज कर दो. डीकोलोनाइज मतलब जो लॉज पहले बने थे वो उस सोशल सर्कमस्टेंसेस के लिए थे, उस टाइम जो सोशल सिचुएशन था, जो यू नो उस टाइम का जो एनवायरमेंट था उसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे, एंड ब्रिटिशर्स का लॉज बनाने का यू नो मेन मोटिव ये नहीं था कि वो हमें इंडियंस को यू नो लिबरेट करने के लिए बनाना चाहते हैं या हमारे डेवलपमेंट के लिए बनाना चाहते हैं, नो उनको अपना पावर और यू नो फॉर्म करना था इंडिया के ऊपर, इसलिए वो लॉज बना रहे थे. तो इसलिए देयर इज अ नीड टू डीकोलोनाइज द लॉज ऑफ मैरिजेस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो Now, but where we might falter, मतलब अभी हमसे गलती क्या हो सकती है, petitioners ने argument दिए हैं, but counter argument, whatever the counter arguments are listed here, we at Lex Templum are putting forth those arguments for you people to understand this case properly. मतलब हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से समझे, because this issue is going to be a very important issue and this is going to be a landmark one. क्लैट आपको इसको सब्जेक्टिव के बारे में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों भी पूछ सकता है, you never know. तो पेटिशनर बोल रहे थे कि
अगर एज ऑफ मैरिज को अगर बढ़ा देते हैं 21 के ऊपर तो जेंडर इक्वालिटी होगा. Now we at Lex Templum say कि same result will be achieved if marriage age for boys will be reduced to 18. तुम बोलते हो कि लड़कियों का एज 21 करो तो लड़कों का एज भी तो 18 किया जा सकता है ना. तो ये argument कैसे अपना मतलब how strong is that argument? You should think about it. Now health benefits as teenage pregnancy be reduced. Now they're saying कि जो भी health benefits है teenage pregnancies होती हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि अगर लड़की 21 की हो जाएंगी तो जितने भी teenage pregnancy के chances थे वो कम होंगे. ये petitioner बोल रहे हैं. लेकिन क्या difference है यार, तुम अगर pregnancy का age 19 करो या 22 करो. If a girl gets pregnant at the age of 18, she'll deliver at the age of 19. Or if a girl gets married at 21, if she delivers at the age of 22, what is the difference? So this is not a very strong argument. Now coming to the third argument, demographic benefit arising out of delayed marriage means delayed childbirth and reduced number of pregnancies. Oh come on, how can you say that? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप late marriage करो तो childbirth delay होगा और reduced number of pregnancies कम हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. हम अभी भी देखते हैं कि women in their 30s, their 35s, 40s भी childbirth दे सकती है. It is about the reproductive system of a woman. इससे you know हम इसको ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि आप शादी लेट करो तो चाइल्ड बर्थ भी लेट होगा और उसकी वजह से प्रेगनेंसीज भी कम होंगी. ये भी काफी यू नो बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है बिकॉज वी हैव द रिसर्च विद अस. इकोनॉमिस्ट जो भी जितने भी है यू नो फिलोसोफर्स इकोनॉमिस्ट उन्होंने बोला है देयर इज दिस रिसर्च स्टडी व्हिच सेज दैट द फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड एंड हेंस द आर्ग्यूमेंट इज आउटडेटेड. अगर फर्टिलिटी रेट ही अगर कम हो गया है इंडिया में कम हुआ तो कहाँ से आप डिलेड मैरिज की वजह से चाइल्ड बर्थ डिलेड होगा या प्रेगनेंसीज कम होगी. और आजकल वी आर ऑल एजुकेटेड, हमें पता है कि हमें कब प्रेगनेंसी करना है. अगर कोई लड़की फॉर गर्ल डिसाइड्स दैट शी वांट्स टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18 और इफ शी वांट्स टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 21 शी इज वेल एजुकेटेड टू टेक हर ओन डिसीजन. उसे कोई कंपेल नहीं कर रहा है कि नहीं तुम अभी अगर तुम 21 में शादी कर रहे हो तो तुमको अभी चाइल्ड बर्थ देना ही पड़ेगा. नो, इट इज अप टू हर. We are all uneducated. हाँ, I can understand कि this argument कि हाँ विलेज में ये हो सकता है कि लड़कियों को पता नहीं है तो उस चीज में, तो लेकिन नहीं, आज के गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज है, यू नो ऑल आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उनको यू नो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस एज में ही प्रेगनेंस करना चाहिए, प्रेगनेंट होना चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल. आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. तो दिस आर्ग्यूमेंट इज यू नो थोड़ा सा वीक है. We feel that at Lex Templum, and anyways, I have already given the counter argument for that. So there is no doubt about the discriminatory colonial law, but the way forward to rectify it must not create further complications. आप हमें पता है law जो बनाया था Britishers ने वो discriminatory है, लेकिन जो way forward हम अभी करने वाले हैं उसकी वजह से और further complications नहीं होनी चाहिए. अभी क्या complications हो सकती है हम ये next slide में देखेंगे. अभी इंडिया की सोसाइटी इज येट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. हमें अभी तक ये कंफ्यूजन होता है, जब मैं एज ऑफ कंसेंट बोलूंगी तो हम समझते हैं कि एज ऑफ मैरिज बोलेंगे तो यू नो हम इन दोनों कंसेप्ट को ठीक से जानते ही नहीं है. हमें दोनों में कंफ्यूजन है. हम सोचते हैं एज ऑफ कंसेंट अगर लड़की दे दिया तो मैरिज होगा. ऐसा नहीं है. दिस टू कॉन्सेप्ट्स आर रियली वेरी डिफरेंट. एंड इन इंडिया इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ वुमन टू इनिशिएट इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज. हमारा ये बिलीफ है, ये हर जगह चलते आ रहा है. इवन इफ यू गो टू कितने भी बड़ी सिटीज में जाओ, लेकिन हम यही सोचते हैं, एक लड़का यही सोचता है, उसके पेरेंट्स यही सोचता है, एक लड़की का सेक्सुअल इंटरकोर्स तभी होना चाहिए उसके शादी के बाद. अगर वो उसके पहले करेगी तो शी इज नॉट प्योर. देन वी कॉल दैट गर्ल बाय डिफरेंट नेम्स. तो दिस इज अ टैबू. लड़का करे तो ठीक है, लड़की करेगा तो ठीक नहीं है, है ना? तो दिस इज नॉट गुड, राइट? सो अ वुमन बिटवीन द एज ग्रुप 18 टू 21 इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेक्सुअली प्योर. ये हम सोचते हैं, लॉ ऐसा नहीं सोचता है, ठीक है? सो इफ सच अ वुमन इंडल्जेस इन सेक्सुअल रिलेशनशिप देन शी रन्स द रिस्क ऑफ डिसऑनर एंड हर मेल पार्टनर रन्स द रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ रेप. कैसे? क्योंकि अगर अ गर्ल कॉल्ड ए she gets into sexual relationship with a boy called B, ठीक है? तो अगर दोनों का कास्ट सेम नहीं है, दोनों का रिलीजन सेम नहीं है, तो खाप पंचायत बैठ जाएगी, या फिर उसके लड़की के पेरेंट्स उसको कंपेल करेंगे कि कम ऑन
गो अहेड और फाइल रेप केस, तो लड़की थोड़ी इमोशनल हो जाके पेरेंट्स के प्रेशर में आके रेप केस फाइल भी करती है लड़कों के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसे भी काफी केसेस हैं जहाँ पे वो ऐसा भी लेते हैं कि नहीं मुझे लड़का भगा के लेके गया था और उसने मेरे कंसेंट के अगेंस्ट मेरे साथ ये सब कुछ किया है, मैं इसमें रेडी नहीं थी, ऐसा लड़की प्ली लेती है, तो उसकी वजह से रेप केसेस भी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ रेप। Now, and what will be the status of marriage between a girl of 19 years and boy of 22 years? Voidable or void? अभी current scene is that कि अगर एक लड़की की शादी होती है, even though she is a minor, that marriage is a voidable marriage. That will not be considered as a void marriage. अभी मैं सारे laws की detail में नहीं जाऊंगी because this is just to give you a brief overview. काफी सारे Supreme Court के judgments भी है इसके ऊपर कि marriage voidable marriage बोला जाएगा अगर लड़की 18 साल की कम है भी, उसका शादी होता भी हो भी जाता है तब भी वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मतलब लड़की चाहे तो शादी को शादी से बाहर चली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डिवोर्स, एंड अगर वो चाहे तो शादी को कंटिन्यू भी कर सकती है। बट यहाँ पे पेटिशनर्स बोल रहे हैं कि इस शादी को वॉइड कंसिडर किया जाए, नॉट वॉइडेबल, एंड देयर आर नॉट मेनी लॉज अबाउट दिस, एंड काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि दिस मैरिज विल बी वॉइड, एंड चाइल्ड रिस्ट्रिक्ट मैरिज एक्ट में बोला गया है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी अगर लड़की माइनर होगी, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट एज ऑफ नाउ। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी हैव दिस ऑब्सेशन ऑफ 18 इयर्स, क्यों हम इतना 18 इयर्स के पीछे पड़े हैं? 18 इयर्स होगी तो शादी होगी, 18 इयर्स होगा तो वोट होगा, 18 इयर्स होगा तो हम प्रॉपर्टी ओन कर पाएंगे, 18 years होगा तभी हमको सेक्सुअल इंटरपोज करना है, बट 18 years होगा तो हम शादी नहीं कर सकते। अरे ये क्या बात हुई, शादी क्यों नहीं कर सकते? क्यों ऐसा लिखा है मैंने? क्योंकि पेटिशनर बोल रहा है 18 years नहीं होगा, 21 years होगा। So now what is the link? If we can have sex after 18 years, why can't we marry? Why do we have to wait till the age of 21 years? Can this 18 years be accepted as a legal age for for the uniformity? So let's now see कि यहाँ पे क्या problems है, ठीक है? Now you know the Indian Majority Act 1875, that basically says that an Indian attains majority at the age of 18. However, there is a saving clause. I'll just read which says that this act is not applicable for marriage, dower, and a divorce, ठीक है? So Indian Majority Act बोलता है कि एक Indian 18 साल में major होता है, लेकिन एक saving clause मतलब एक exception है, वो बोलता है कि act is not applicable, marriage को applicable नहीं है Indian Majority Act, dower के लिए नहीं है, divorce के लिए नहीं है। अगर saving clause वहाँ पे लिखा है तो आप क्यों बोल रहे हो कि 18 years of age में हम adult हो जाते हैं और वो marriage के लिए perfect age है? It is so because when this act was enacted, child marriages were prevalent. And age of marriage was never seen as an issue. So now age of marriage was fixed in Sangta Act in 1929 and in subsequent act. So child marriage act ko to apne tan fix kar diya Sangta Act mein aur jo uske baad bhi jo bhi act tha 2006 wala hai, theek hai? And surprisingly 18 became a fulcrum age. Matlab sabne maan liya ki 18 hoga to shaadi hogi. Now the petitioner prays in the Supreme Court that the marriage age should not be 18 years for girls and it should be made 21. मैंने आपको पहले बोला है 18 years मत रखो, 21 करो, ऐसा petitioner बोल रहा है। So in my view, in Next Templum's view, the issue is with the application of Indian Majority Act to every aspect of social behavior. हम जब भी आता है हम Indian Majority को आग को खींच के लेके, हम बोलते हैं कि Indian Majority Act में 18 साल लिखा है ना तो 18 साल है बस, फिर हम कुछ भी उसके आगे सोचते नहीं है। तो हम ये सोशल बिहेवियर को 18 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ वोटिंग के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए दैट इज परफेक्ट, बट वी कैन यूज द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट फॉर बिस्टोइंग वोटिंग राइट्स फॉर और गिविंग राइट्स टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। हम वोटिंग के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तब तक ठीक है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, आप यूज करो, बट कम ऑन, हाउ कैन वी एक्सट्रापोलेट इट टू सोशल and psychological behaviors like marriage and sex. आप कैसे 18 साल को बोल सकते हो कि क्योंकि वही age social and psychological behavior को भी apply करो? ऐसा नहीं है ना। So is it a food for thought for you guys? आप सोचो इसके ऊपर कि इसको 21 करना चाहिए
या 18 रखना चाहिए। और अगर आप 18 रखना चाहते हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या नहीं होगा, बिकॉज यू नो IUPC criminalizes sexual activity if the age is less than 18. अगर आप बोलते हो कि IUPC में without consent against her will है और लड़की 18 साल के नीचे है तो वो rape है, right? लेकिन 18 साल के ऊपर if she अगर उसका किसी के साथ if she you know indulges into any sexual activities then हम बोलते हैं कि वो rape नहीं है because there is a consent, है ना? तो अगर 18 साल के बाद आप कंसेंट दे रहे हो तो आप क्यों मैरिज को प्रोहिबिट करना चाहते हो, आप क्यों चाहते हो कि उसको 21 किया जाए? सो दीज आर जस्ट द पेटिशनर्स आर्ग्यूमेंट एंड वी हैव गिवन आवर ओन यू नो ओपिनियन अबाउट दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट बिकॉज इट विल डेफिनेटली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स वेट फॉर द जजमेंट एंड आई डेफिनेटली कम बैक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हेन द जजमेंट इज आउट। तो हम देखेंगे कि यू नो व्हाट इज द लीगल डिस्कोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम एंड व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस्ड बिफोर द जजमेंट केम इन। सो दैट इज इट फॉर द टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, एनीथिंग दैट यू मे वांट टू टेल अस, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यू टू यू नो if you need any detailed analysis of any case or if you join any of our courses, please do that. And thank you for watching this video. For today, it's done. Bye bye.